नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बैठक और मीटिंग का दौर चल रहा है, 2023 का चुनाव आने वाला है, तो हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री। और किस प्रकार से अनुसूचित जाति द्वारा बैठक की गई, वो क्या रूपरेखा बताई गई आप लोगों द्वारा? आज इस मध्य प्रदेश की धरती पर जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया जी, आज उस धरती पर संविधान दिवस को लेकर माननीय कमलनाथ जी की अगुवाई में अनुसूचित जाति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जी। उस बैठक के माध्यम से ये सारे के सारे प्रदेश के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश की मौजूदा शिवराज सिंह की सरकार बाबा साहब के जो सपने थे, बाबा साहब ने जो सपना संविधान देते वक्त सजोए थे, उन सपनों पर खरा उतरती नहीं दिख रही है। चाहे वो सहकारिता के क्षेत्र से अधिकार छीना गया हो आरक्षण का, चाहे नौकरियों से अधिकार छीना गया हो, चाहे जमीनों से, चाहे तमाम सारे आज जुर्म जातियाँ हमारे अनुसूचित जाति वर्ग पर जो हो रही हैं, ऐसे समय में माननीय कमलनाथ जी ने और पूरी कांग्रेस ने इस बात की चिंता करते हुए हम लोगों को मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम सौंपा है। महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, और लगातार सरकार दावे कर रही है कि युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? 1,27,000 बैकलॉग के पद इस मध्य प्रदेश की सरकार में खाली पड़े हैं, जिनकी लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। कहाँ से रोजगार मिल रहा है? अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम बंद कर दिया, वहाँ से रोजगार बंद हो गया। आज जितना सरकारी पद थे वो सरकारी पद समाप्त करके एनजीओ को दे दिए, जो आरएसएस के या अन्य संगठन है भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन आज ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आज़ादी के पहले काम करती थी उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में बिचौलिए दलाली के रूप में यह सारा का सारा काम अपने हाथ में ले चुके हैं। और 2023 के चुनाव की क्या रणनीति है? आज चुनाव से संबंधित बात इसलिए नहीं कहूंगा कि चूंकि आज संविधान दिवस पर बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार सौंपे थे उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध रही है। बाबा साहब के संविधान को बचाए रखना कांग्रेस पार्टी ने अपना कर्तव्य समझा है, जो 70 सालों तक उसने बचा के रखा और आगे भी रखेंगे। 2023 के चुनाव में कैसे रहेंगे विधायक? आप देखिएगा जिस तरीके से आज जो जनता है, जिन लोगों ने सरकार गिराकर जो महंगाई जनता को दी है, आज वह महंगाई से पूरी जनता परेशान है और इसका बदला आने वाले समय में 23 में जनता लेके रहेगी। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार कांग्रेस को नई ऊर्जा दे रहे हो, कांग्रेस में एक नई भूमिका बनाए। राजधानी समाचार न्यूज विस्क रिपोर्ट भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।